इतना बड़ा यूट्यूबर और एक गर्लफ्रेंड नहीं है, तू तेरी जिंदगी में साले। तो गाइस फाइनली पिंडी बॉयज आ चुके थाईलैंड के एक प्राइवेट पूल में। आई एम रियली सॉरी एक दिन व्लॉग नहीं आ पाया बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। जब किसी की गर्लफ्रेंड नहीं होती है ना फिर उन लोगों को गुड मॉर्निंग बोलेंगे। सो यार हमारे साथ एक बहुत खतरनाक सीन हो चुका है। 100 रुपए की चड्डी है, लाल चड्डी, पीली चड्डी, नीली चड्डी, 100 रुपए की चड्डी, ऐसी चड्डी जो फटे ना। चेक दिस आउट बॉयज। अच्छा कुछ आइडिया दे मुझे, फिर मैं खुश होती हूं। और अभी हम लोग समुंदर के एकदम बीचों बीच दीक्षा को फोन करा था बट जब से मैंने कॉल पे हूँ तब से मेरी बेइज्जती करी जा रही है। दीदी मैं आपके लिए गिफ्ट तो लेके आ जाऊंगा बट उसके अंदर इतने छेद होंगे ना, फिर मत बोलना कि इतने छेद क्यों करे तूने। मैं उसको रखूंगी, तेरी शादी बंदी के पीछे क्यों पड़े हो भाई। कुछ लोग सिंगल, कुछ लोग एक तो लोग सोचते हैं कि वो सुबह सुबह अच्छी चीज देंगे, ऊपर से तो 6 बजे अपना मुंह दिखाना मूड खराब करने के लिए। सांची नुंचा ढोकते वाले तब बताऊंगी सांची हो कि नहीं। ढोक दिन छू दीदी, ढोक दिन छू। जब किसी की गर्लफ्रेंड नहीं होती है ना फिर उन लोगों को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए दीदी को वीडियो कॉल करना। मैं मैंने आपके लिए एक चीज खरीदी थी वो आपको मैं दिखाने के लिए वीडियो कॉल कर रहा था। पहले तारीफ करो फिर दिखाऊंगा। तारीफ किस चीज की करूँ, तेरी शक्ल है नहीं तारीफ लायक। आपके लिए जो मैं चीज लेके आ रहा हूँ लेकिन आप वो देख के पागल जाओगे, सच्ची बता रहा हूँ दीदी। तेरे से कुछ अच्छी उम्मीद नहीं है, तेरे से मैं सारी होप खो चुकी हूँ जिंदगी में। इस बार सच्ची में बहुत अच्छा गिफ्ट है, सच्ची में। आपने बोला था ना थाईलैंड से मिल ले कुछ स्पेशल लेके आना, तो मैंने आपके लिए एक बहुत खतरनाक गिफ्ट खरीद रखा आपके लिए। उसकी अनबॉक्सिंग के लिए भी तू आएगा वहाँ से वीडियो बनाते हुए ताकि दुनिया को पता चले कि तू क्या आइटम लेके आ रहा है। एक तो गिफ्ट खरीदा मैंने आपके लिए, सोच रहे हो अपनी बंदी तो है नहीं, एक बहन के लिए खरीद रहा हूँ, एक दीक्षा दी के लिए खरीद रहा हूँ, एक भव्य। तो पहले भी कौन सी खरीदता था क्या इसके सुबह सुबह, मैं तो क्या पता गलती से लग गया होगा। फिर मैंने अभी मैसेज देखा, दीदी कुछ दिखा रहा है, मैंने इसके भी पागल है क्या ऐसा। कॉल करके दिखाने की क्या दिखाना था, तेरी गंदी शक्ल, मेरा मूड खराब करना था क्या। अच्छा कुछ आइडिया दे मुझे, फिर मैं खुश होती बैठी। शक्ल देख रहे हो अपनी कितनी खुशी हो रही है। सो ही गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस स्पेसिफिकली फ्रॉम थाईलैंड। और मैं आपको बता देता हूँ जब हम इस होटल में चेक इन कर रहे थे ना तो जो हमारा पुराना रूम था ना वो बहुत छोटा था, तो हमने बोला कि यार हमें एक अपग्रेड दे दो, और उन्होंने हमें ना अपग्रेड करके गाइस एक प्राइवेट पेंट हाउस दे दिया। ये जो चेक कर रहे हैं पूरा पेंट हाउस हमारा है, साथ ही साथ ये चेक करें बॉयज, वी हैव गॉट अ होल प्राइवेट पूल। बल्ले बल्ले गाइस, मैंने सोचा नहीं था कि थाईलैंड में हम लोग प्राइवेट पूल रखेंगे अपना। नॉट ओनली दिस यार, अभी हम लोग ना 7th फ्लोर पर हैं और यहाँ से जो थाईलैंड के नजारे हैं ना बॉयज, वो चेक करवाता हूँ मैं आपको। लुक एट दिस, यहाँ से आपको दिख रहा होगा गाइस वो वाला सीन ना, पूरा बीच व्यू का है एंड बहुत सारे ना शिप भी सेल कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड इस साइड हमारा स्ट्रीट का व्यू है। बेसिकली मैंने जब रूम बुक कराया था ना तो मैंने सी व्यू के साइड बुक कराया था, तो पीछे वाली खिड़की से पूरा सी तो नहीं दिखाई देता बिकॉज यहाँ पर ना बहुत बिल्डिंग है। बट यहाँ की रोड और व्यू चेक करो गाइस ऊपर से कितना सही लग रहा है। अभी हम लोग ना 7th फ्लोर पर यार, और अगर यहाँ से कोई गिर गया ना तो बस उसकी जिंदगी की तो ठुइयां लग गई यार। और ये साइड चेक करें, ये वाला साइड ना पूरा सिटी वाला व्यू है। एंड अभी हम लोग गाइस थोड़ी देर जाने वाले हैं पूल में नहाने के लिए और फिर उसके बाद मस्त सनबेथ लेंगे हम लोग। तैयार चड्डी पहन के पूल के लिए, बाबू भैया पहन रहे हैं आज ये वाली चड्डी, ये 100 रुपए की चड्डी है, लाल चड्डी, पीली चड्डी, नीली चड्डी, 100 रुपए की चड्डी, ऐसी चड्डी जो फटे ना, और रहे दमदार पीली चड्डी, हरी चड्डी, 100 रुपए की चड्डी। आज तो दो भारी ना रहो, मेरी मम्मी तो ये ब्लॉग देख करके ना खुशी हो जाएगी। और ब्रोसेना के कॉमेंट्स गाइस गुलाबी दिल दिख जाने चाहिए मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बिकॉज बाबू भैया दो भारी ना रहे आज। तो गाइस फाइनली पिंडी बॉयज आ चुके थाईलैंड के एक प्राइवेट पूल में और मैं तो कूद चुका हूं यहां पर। मैंने एक रील शूट करनी थी, हर्ष ने ना वो स्लो मोशन की रील शूट करी, तो आधी रील ना स्लो मोशन में शूट करी और आधी नॉर्मल में। कूदना भाई, बल्ले बल्ले। हम दोनों ना कुपोषण के मरीज लग रहे हैं, बट गाइस प्लीज माइंड मत करना, हम लोगों को खाना नहीं मिलता है, हमारे घर वाले बहुत गरीब है। बट हम लोग लेने वाले स्लो मोशन के शॉट कुछ अंडर वाटर, सो चेक करे बॉयज। तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज। रूम हमारा रूम ना थोड़ा सा छोटा है बट हम लोगों को सस्ती डील में मिल गया था, प्लस एक अपग्रेड भी था, तो हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं बिकॉज पूल इम्पोर्टेंट है। बड़ी वाली साइड से ना रूम के पूरा सिटी व्यू दिखाई देता है यार। इधर एक वार्डरोब भी दे रखा है जिसके अंदर ना हर छुप करके पूरा गायब हो जाते हैं। एंड हियर इज आवर बाथरूम, ये रहा हमारा मस्त बाथरूम। भाई यहाँ के रूम से अच्छे तो इनके बाथरूम है, मन करता है बेड लगा दो और सो जाओ। एंड यार अभी हम लोग रेडियो करके निकल रहे हैं आज पटाया की मस्त वॉकिंग स्ट्रीट और बीचेस एक्सप्लोर करने के लिए। दो चार लोकेशंस और देखिए हम लोग
लोगों ने, जैसे अंडर वाटर एक्वेरियम पार्क तुम्हारा प्लान है वहां पर भी जाने का। फिलहाल आज का मौसम हो रहा है मस्त, तो रूम लॉक करते हैं और चलते नीचे। एंड यार हमारा जो फ्लोर है ना वो 7th फ्लोर पर है। वो भाई लिफ्ट काम नहीं कर रही गाइस, हमारा जो फ्लोर था ना वो 7th फ्लोर पे था और हमारी लिफ्ट नहीं चल रही है, तो अभी हमें शायद 7th फ्लोर से नीचे तक पैदल जाना पड़े। फाइनली हम लोग पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर तक, और हम लोग इतनी तेजी में चल रहे थे कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर से भी नीचे ग्राउंड फ्लोर में चले गए थे। हम लोगों ने एक अपग्रेड भी लिया, इतना सारा पैसा भी पे किया, और उसके बाद हमारी लिफ्ट भी चल रही है गाइस। हाय ब्रो, लिफ्ट इज नॉट वर्किंग। लिफ्ट इज नॉट वर्किंग। तो यार लिफ्ट तो चल रही है बट अभी लाइट नहीं है, उन्होंने ना जनरेटर चला रखे हैं। बट गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पटाया में, और ये चेक करें यार, रोड़े चेक करें इनकी, क्या मक्खन रोड़े होती हैं। यहाँ पर एक बंदा ना सुबह सुबह बाइक भगा रहा था, R1 ऐसे आवाज आ रही थी ना, काश एको भी किसी दिन हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे। और फिर पटाया की रोडों पे एको की आवाज गाइस, भाई साहब थाईलैंड की रोडों पे इतनी शांति है ना, और इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया ना। सोचो थाईलैंड में कितने सारे टूरिस्ट आते हैं बट फिर भी आपको ना रोडों के आसपास कहीं गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। एक हमारा इंडिया भयंकर, इतने सारे फॉरनर्स आते हैं और बर्बाद करके चले जाते हैं। तो यार हमारे होटल से ना वॉकिंग स्ट्रीट के डिस्टेंस और जो बीचेस हैं उनके डिस्टेंस ना 1.5 किलोमीटर है, बट यहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी 38 डिग्री चल रहा है, विच इज वेरी ह्यूमिड। तो ना हालत खराब हो गई पैदल चलते चलते। अभी हम लोगों ने सुबह का नाश्ता भी नहीं करा है, तो एक रेस्टोरेंट देखते हैं और फिर नाश्ता करते हैं वहाँ पर। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मेन मार्केट ऑफ पटाया वॉकिंग स्ट्रीट के पास, और हम लोग अभी जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स में। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। हम लोगों ने बहुत दिन से अच्छी चाय और पराठे नहीं खाए, तो ऊपर दी बेस्ट यहाँ पर चाय और पराठा मिल जाए यार, बिकॉज भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। तो यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में। चेक दिस आउट यार, हम लोगों को ना इंडियन मेन्यू देखने के लिए मिल रहा है, और सबसे अच्छी चीज जिसको देख करके मैं खुश हो चुका हूँ वो है स्पेशल इंडियन टी। मैंने इन लोगों को स्पेसिफिकली बोला, हम लोगों को हफ्ता हो चुका है हम लोगों ने अच्छी चाय नहीं पी है सुबह, सो अभी ये चाय लेकर के आ रहे हैं और बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है। फॉर द सेम हम लोगों ने ना पराठे भी ऑर्डर करें, बिकॉज इतने दिन से हम लोग मैगी स्पेगेटी खा रहे थे सुबह उठ करके, एकदम अमेरिकन ब्रेकफास्ट। अब हम लोग वापस इंडियन ब्रेकफास्ट पे आ रहे हैं। तो यार हमारी चाय आ चुकी है और हमारे पराठे आ चुके हैं। हर्ष कैसी थी भाई चाय? ओके गाइस, तो हम लोग थाईलैंड में ना इंडियन चाय पीने वाले हैं। गुड, वेरी गुड, पहली इंडियन चाय अच्छी होगी। तो यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं पटाया की फेमस वॉकिंग स्ट्रीट पर, एंड अभी ना दिन का टाइम हो रहा है तो ऑलमोस्ट सारा क्लब बंद है। चेक दिस आउट, तो कोई भी दुकान या क्लब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो क्लब्स वाला सीन होता है ना वो शाम को शुरू होता है अप्रॉक्सीमेटली 7-8 बजे, जो कि हम लोग रात को आएंगे यहाँ पर। एंड फिर ये रोड देखना, ये पूरी रोड ना फुल बैक्ड अप रहती है। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बीच की साइड, एंड फिर उधर से शिप्स और क्रूज का भी देखेंगे। अभी दिन का टाइम बीच ना बहुत हैपनिंग होगा, हम लोग रील रूल बनाने जा रहे हैं उधर। ओ बलमा क्यों वो तूने मेरी ढोल बजा दे, कैसे कैसे नाचना चाहते, ओ मेरे तू दुश्मन होना दुश्मन कैसे। तो यार हम लोग आ चुके हैं अभी सीशोर साइड, एंड इस साइड आप लोगों को दिख रहा होगा कितने सारे शिप्स एंड क्रूज हैं। उस साइड में ना बहुत सारी स्पीड बोट है यार, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये स्पीड बोट वाले स्कैम में मत फंसना। बेसिकली क्या होता है, ये लोग ना आपको कम पैसों में आपको स्पीड बोट दे देंगे, और फिर जब आप वापस आओगे ना तो बोल देंगे आपने गाड़ी ठोक दी, या फिर आपसे गलती से अगर किसी की स्पीड बोट पर लग गई तो फिर आपको 10-12 हज़ार बात तक पे करना पड़ेगा। हम लोग ना अपनी स्पीड बोट नहीं ले रहे हैं, बट जो यहाँ पर नॉर्मल क्रूज शिप्स है ना उनमें जा रहे हैं, ताकि एटलीस्ट हम तो ना ही चलाएं और हमसे तो ना ही ठुके। सो गाइस हम लोगों ने फाइनली एक बोट हाउस में टिकट ले लिया, एंड लेट मी जस्ट टेल यू, वहाँ से केवल टिकट पर हेड केवल 30 बात है। अगर दो बंदे जाओगे तो 50 बात लगेगा, बट उनसे हमने वो 30 बात ही लिया। ये वाली जो हाउस बोट है ये पताया से कोलंग तक जाती है, इट्स गोना टेक अप्रॉक्सीमेटली लाइक 50 मिनट्स फ्रॉम हियर, सो आई एम रियली एक्साइटेड गाइस। हर्ष तो बोला था स्पीड बोट में जाते हैं, भाई स्पीड बोट में गिरा गुरा जाता ना, और स्कैम अलग मांगता है, क्रेडिट कार्ड टैप होता हर जगह। फिलहाल जब तक हम लोग सी में जा रहे गाइस, तो सिनेमैटिक चेक करें। तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज। तो यार फाइनली हमारी बोट हाउस चल पड़ी, और अभी हम लोग समुंदर के एकदम पीछे पीछे है। वो चेक करो, वो पूरा पटाया का सिटी है, एंड अगर आपको वो आइलैंड दिख रहा होगा ना, तो हम लोग उस आइलैंड पे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे की राइड थी, अभी जो शुरू ही हुई है। तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आइलैंड पे, और ये चेक करो ये आइलैंड है हमारा, और देखो हम लोग सिटी से कितना दूर आ चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर तो हम लोगों ने कवर करा होगा सी लाइन के हिसाब से। फिलहाल अभी नीचे उतर गए, इस बोट रुक गई है, सो चलते नीचे जमीन पर, बिकॉज ये लेके ना दिमाग घूम रहा है। तो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कालिन के आइलैंड पे, एंड यहाँ पर ना बहुत सारी स्कूटीज रेंट रेंट पर मिल रही है। मैं सोच तो रहा हूँ एक स्कूटी रेंट पर ले लेते हैं, बट फिर यार टेंशन ये हुई कि अगर बाद में कहीं स्कैम में फंस गए ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो यार हमारे साथ एक बहुत खतरनाक सीन हो चुका है। हम लोग ना स्कूटी रेंट करने गए थे, बट व्हाट हैपेंड, उन्होंने बोला कि यहाँ से ना आखिरी बोट 6 बजे जाती है, उसके बाद बोट्स नहीं जाती। सो अभी हम लोग
भाग रहे हैं क्योंकि वापस हम लोगों को अपने होटल तक जाना है। केवल 5 मिनट बचे 6 बजने के लिए, और अगर ये बोट छूटी तो फिर हम लोग घर नहीं जा पाएंगे आज। तो यार हम लोग टाइम से बोट पर पहुंच गए, अगर ये बोट छूटती तो फिर आज रात हम लोगों को ना यहीं पर स्टे लेना पड़ता और फिर दिक्कत हो जाती। वो तो एक लड़की से हम लोग बाइक रेंट के लिए पूछ रहे थे तो उसने जल्दी कहा कि गो गो 5 मिनट यू स्लीप हियर ओनली और अदरवाइज लास्ट बोट। तो उस लड़की ने हमारी हेल्प आउट कर दिया। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं वापस पटाया की तरफ। फिर फाइनली हम लोग पटाया पहुंच चुके हैं एंड अभी हम लोग बोट से उतर रहे हैं। जब भी आप यहाँ बोट से उतरोगे ना इतनी भीड़ लग जाती है। एंड लास्ट टाइम वॉट पीटेड हम लोग ना पीछे खड़े हुए थे तो हम लोग सबसे लेट में, इस टाइम हम लोग ना सबसे आगे रहे क्योंकि उतरने में ऑलमोस्ट 15-20 मिनट वेस्ट हो जाते हैं आपके। यहाँ देखो यार लोग कितनी भगदौड़ी से निकल रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगता था इंडिया में ऐसी भगदौड़ी होती है बट दुनिया के हर कोने में गाइस लोग ऐसे होते हैं। तो यार अभी हम लोग आए थे एटीएम पे, एक्चुअली हमारा कैश फिर से खत्म हो गया था तो अभी 5,000 बात और निकाले और ये आखिरी खर्चा हमारा। हम लोग ना पैसा ऐसा उड़ा रहे हैं यहाँ पर बिकॉज हम लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं कुछ खाने के लिए मंगा रहे हैं। अभी तक का ना हमारा ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए खर्च हो चुका है बट कोई बात नहीं, थाईलैंड बार बार ही तो आना नहीं है तो मैंने सोचा मस्त मजे करते हैं इधर। सो हिमलो जी, फाइनली हम लोग आ गए थे रूम में और हम लोगों ने पूल में इतनी ज्यादा मस्ती करी ना, लेकिन वो क्लोरीन का पानी था तो मेरे को वापस आकर के तीसरी बार जाना पड़ गया था गाइज। एंड अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं गाइज वॉकिंग स्ट्रीट और पटाया की मार्केट। रात को जो सीन्स होने वाले ना वो भयंकर सीन्स होने वाले हैं बीच के पास। सो हर्ष ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, हम लोग बस अभी निकलते हैं और फुल पावर मजे करने चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं गाइस पटाया की मार्केट। सो यार मैं आपको बता देता हूँ, जिस होटल में हम लोग रुके हुए ना हम उसके 7th फ्लोर पर है और रात को जो सीन्स बन रहे हैं यहाँ से ये चेक करें, हमारा एकदम मस्त वाला पूल चमक रहा है और उधर एक आईफेल टावर भी दिख रहा होगा आप लोगों को। बट यार हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी ली ना वो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन पे लिया है एंड होटल जिंग में रुके हुए हम लोग, बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे पड़े। अगर आप लोग आएंगे तो आप लोग भी यहाँ पर रुक सकते हैं गाइस। फिलहाल अभी रात के बज रहे हैं 8 तो यहाँ से ना ऑलमोस्ट सारे डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर के डिफरेंस पर है। नीचे जा करके देखते हैं टुक टुक मिलती है या फिर क्या मिलता है एंड फिर उसमें बैठ करके निकल जाएंगे। तो यार अभी हम लोग आ चुके नीचे एंड जब हम लोग बैंकॉक में रुके हुए थे ना तो हमारी होटल के नीचे बहुत सारी कैब्स और टुक टुक थे बट चेक दिस आउट, यहाँ पर कोई कैब और टुक टुक नहीं है। तो यार अभी हम लोग पैदल ही नाप रहे हैं थोड़ी दूर तक तो एंड हमें ना बेसिकली इस जगह का भी आइडिया नहीं है तो वी रियली डोंट नो कि कहां से क्या कन्वीनियंस लेकर के जाने। वैसे मैंने मैप पे चेक करा था यहां से 1 किलोमीटर ही है तो फिर पैदल चलते हैं, अगर दूर लगेगा तो फिर कैब या फिर टुक टुक ले लेंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं द वॉकिंग स्ट्रीट में और चेक दिस आउट बॉयज, क्या भयंकर सीन्स है। यहां पर आपको हर 10-10 मीटर पे यू विल फाइंड क्लब्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ना यहां पर इंडियंस ही हैं। सो अभी हम लोग ना बीच साइड जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट को क्रॉस करके। तो बॉयज अभी रात के बज रहे हैं 1 एंड वी आर फाइनली बैक एट आवर होटल रूम्स। हर्ष ना सो गए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा थक गया था एंड आई एम रियली सॉरी एक दिन व्लॉग नहीं आ पाया बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड फिर शाम को इंटरनेट नहीं मिला। जब आप इंटरनेशनल से ट्रैवल कर रहे होते हो ना तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। एक्चुअली क्या सीन हो गया था मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ना अपना यूट्यूब अपने मैक पे खोला था दूसरी प्रोफाइल में और यूट्यूब को ऐसे लगा कि मेरा यूट्यूब अकाउंट हैक हो गया तो यूट्यूब ने मेरे को ना लॉक इन पर डाल दिया था तो मैं अपना अकाउंट ही नहीं लॉक इन कर पाया वीडियो अपलोड करने के लिए एंड फिर लेट भी हो गया था, मेरे पेट का दर्द बढ़ते ही जा रहा है। तो द फर्स्ट थिंग मैंने कम टू इंडिया इज मैं अपना पूरा बॉडी का चेकअप कराने वाला हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट हायाबुसा, देयर इज अ गुड न्यूज गाइस, सुजुकी वालों से बात हुई है तो बातें चल रही हैं, जल्दी मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ। जी हाँ हमारी बाइक आने वाली है। बट गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे थाईलैंड के। दिस इज यूकी ज़ीरो ज़ीरो साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।